इतना विरोध करता हूं कि धुआं निकालता हूं लेकिन भाषा पे कभी संयम खोया नहीं, क्योंकि मुंह से जो शब्द निकल गया वो वापिस नहीं आता। जिनके खिलाफ भाषण देकर, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर हम लोगों ने वोट लिया था, हमें वो वादा भी पूरा करना पड़ेगा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सोमवार को एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि जनता से किए वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं, ऐसे में चुनाव के वक्त किस मुंह से वोट मांगने जाओगे। और भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच होनी चाहिए, इस मांग को लेकर मैंने एक दिन कांशन किया, मैंने किसी का विरोध नहीं किया, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। सचिन सोमवार को झुंझुनू जिले के खेतड़ी के टीबा गांव में शहीद की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के बाद हुए सभा में बोल रहे थे। पायलट ने कहा कि मैं विरोध करता हूं तो ऐसा करता हूं, धुआं निकाल देता हूं, लेकिन भाषा पर कभी संयम नहीं खोया, मुंह से जो शब्द निकल गया वह वापस नहीं आता, मैंने हमेशा वैचारिक राजनीतिक प्रशासनिक विरोध किया तो सड़कों पर उतरे, धरने दिए, जेल गए, अनशन किए, लेकिन कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही, मेरे से बड़ी हैं, लेकिन राजनीतिक टकराव होता था तो बराबर का होता था, उन्हें हरा कर आते थे, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग करना, ऊंची भाषा का इस्तेमाल करना। पायलट ने कहा, मैंने अपने भाषणों में कभी मर्यादा को लांघा नहीं है, मैं कभी इधर उधर नहीं होता, क्योंकि मेरे संस्कार ही बचपन से ऐसे ही है, बड़ों का आदर करने के और उन्हें मान सम्मान देने के, मैंने हमेशा बड़ों का आदर किया है। मुद्दों, सिद्धांतों और जवानों से किए वादों को लेकर ने पहले समझौता किया और न ही आगे करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्ट भारत।